नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि हमारा ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट एशिया में सबसे बड़ा है और अपने आप में एक अजूबा है। भोपाल रीजनल इंडस्ट्रियल और माइनिंग के साथ अब रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की तैयारी में है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि हमारा ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट एशिया में सबसे बड़ा है और अपने आप में एक अजूबा है। इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हम लगाएंगे। इंदिरा सागर बांध और अन्य जगह भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कई जिलों में हमने जगह जगह तलाशी की है। मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नवकरणीय ऊर्जा का घरों में प्रयोग बढ़ाने के लिए हम लोग जल्दी बैठक और प्लानिंग करेंगे। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज ऊर्जा विकास निगम का भी चार्ज लिया है। विश्व के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% ग्रीन एनर्जी से, अच्छे ऊर्जा से, किसी तरीके से बिजली का हिस्सा बने इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।